Welcome to the channel again. Today we are going to talk about another topic, that's the lysosome. Okay, आज इस पे बात करने जा रहे हैं वो lysosome है. Lysosome एक ऐसा organelle है जो eukaryotic cells में मौजूद होता है, prokaryotic cells के अंदर नहीं पाया जाता क्योंकि ये membrane bounded organelle है. Okay, इसको discover किया था deep geo scientist ने 1955 में in the cells of liver. Liver cells के अंदर इसने उसको lysosomes को discover किया था. ये सारे prokaryotic cells के अंदर पाया जाता है, eukaryotic cells के अंदर पाया जाता है. Eukaryotic cells के अंदर कुछ exceptions है जैसे RBCs and meristematic cells, means plants के अंदर ये नहीं पाए जाते, ठीक है. इसके अलावा बाकी सब cells के अंदर पाए जाते हैं. Protists जो हैं, कुछ protists जैसे कि यूग्लेना, उसके अंदर भी ये नहीं पाए जाते. इसके अलावा फंजाय, कुछ फंजाय की टाइप्स हैं, उसके अंदर भी नहीं पाए जाते. बाकी सब के अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं. ओके, दीज आर ऑफ व्हिच फॉर्म, फॉर्म कौन सी है इनके अंदर, स्ट्रक्चर कौन सी होती है. ये डिफरेंट फॉर्म के स्फेरिकल होते हैं ज्यादातर इनकी स्ट्रक्चर, लेकिन एक से ज्यादा फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तभी इनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल. क्या कहा जाता है, polymorphic organelles, because they are found in more than one form. Okay, now eukaryotic cell के अंदर ये single membrane bounded organelles हमने discuss किया अभी, ठीक है, single membrane bounded organelles, ठीक है. ये vesicles की form में होता है, means vesicles वो होते हैं जिसके अंदर matrix मौजूद होता है ना, sac like structure होते हैं. इनके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की ये जो है सेक्स हैं, थैलियां ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है. इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं. नाउ ये कहां से वो जो ओरिजिन हुआ है, बनता कहां से है, ये गोल्जी बॉडी से बनता है. गोल्जी बॉडी जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती, तभी हम नहीं कह सकते कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाए, क्योंकि उनके पास गोल्जी बॉडीज ही नहीं है इसीलिए, ठीक है. नाउ इनकी इनके अंदर फंक्शन कौन से हैं, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे कंटेन मैट्रिक्स व्हिच कंसिस्ट मेनी एंजाइम्स, ठीक है. ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, सो ये काम आते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए. इंट्रासेलुलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है. अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कौन सी, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्पर्म. स्पर्म के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम रिलीज होता है, वो हाइड्रोलेज एंजाइम जो के ओवम की वाल को रुप्चर करवाता है ताकि उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल, उसका न्यूक्लियस जो है इंसर्ट हो सके, ठीक है. ये हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि उसने उसको क्या करवाया, डाइजेशन करवाई, ठीक है. इसीलिए ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर बोलते हैं. इंट्रासेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है. इसके अलावा इनको फेगोसोम्स भी कहा जाता है. फेगोसोम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडीज हैं जो डाइजेस्ट करती है किसी चीज को, ठीक है. नाउ लाइसोसोम्स आर एक्चुअली, लाइसो मींस स्प्लिटिंग, सोमा मींस बॉडीज, ये वो बॉडीज हैं जो टूट जाती हैं, ठीक है. ये खुद भी टूट जाती है और इसके अंदर एंजाइम्स हैं वो टूटने का, तोड़ने का काम करते हैं, डाइजेशन का, तभी इनको लाइसोसोम्स कहा गया है, ठीक है. यह है इसकी जनरल शॉर्ट व्यू डिस्कशन, ठीक है. इसके कुछ चार टाइप्स होते हैं लाइसोसोम्स के. एक प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, दूसरे होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो एक्टिव होते हैं, तीसरे होते हैं टर्शियरी लाइसोसोम्स जो के डाइजेशन के बाद रेजिड्यूल रखते हैं अपने पास, ठीक है. और फोर्थ वाले होते हैं फेगोसोम्स. फेगोसोम्स क्या करते हैं, फेगोसोम्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, फेगोसोम्स वो खाने का काम